guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं ताती song पे, जो भी मतलब जो कि Coke studio बांग्ला का है, मतलब बांग्लादेश का जो Coke studio है उसका song है। इसके पहले हमने कभी भी बांग्लादेश का कोई भी song cover नहीं किया है। This is the first time we are covering बांग्लादेश Coke studio song ताती। ये सॉन्ग काफी वायरल हो रहा है, काफी हिट हो रहा है, तो हमने सोचा कि इस पे रिएक्शन देते हैं। सो हम लोग आगे रिएक्शन लेके, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सुन लेते हैं सॉन्ग। एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। Coke स्टूडियो बांग्ला सीजन 3। I'm
दिस वॉज द सॉन्ग योर टैलेंट एंड ये सॉन्ग बेसिकली वो तांत शिल्प जो होता है आई नो कि काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा ये बंगाल साइड में मतलब बंगाल में हमारे ज्यादा ये प्रचलित है मतलब ये बेसिकली बांग्लादेश साइड में एंड कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में ईस्ट साइड में हाँ इंडिया के ईस्ट साइड में काफी फेमस है हाँ. मतलब तांत एक फाइबर है जिससे बेसिकली साड़ियाँ बनाई जाती है और बहुत प्रिटी होती या है। मतलब उससे और भी टाइप के क्लोथ्स बनाए जाते हैं इंडियन में फिर काइंड ऑफ टॉप्स वगैरह बहुत कुछ बट बेसिकली तांत से साड़ी तांत की जो साड़ी होती है वो बहुत ज्यादा फेमस है बट उसको कैरी करना बहुत टफ है हर कोई नहीं कर सकता उसको कैरी करना बहुत टफ होता है और उसको पहनना भी टफ होता है इजीली आप मतलब प्लीज इजीली नहीं बनना चाहते पहनना भी टफ होता है मैंने नहीं पहना कभी तांत बट हाँ मेरे घर पे पहना है मेरे फैमिली मेंबर्स ने पहने हैं मैंने भी पहना है इसने भी पहना है बट मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं कैरी नहीं कर पाती तांत की साड़ी को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो भारी फैब्रिक नहीं होता हेवी इट वाज नॉट अ हेवी फैब्रिक इट्स काफी मतलब ये काफी लाइट होता है एंड इसके प्लीट्स बनाना काफी डिफिकल्ट थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट या मतलब इजीली बनना नहीं चाहता कितने बना लो हो जाता है उनकी बात अलग है या बट तांत की जो साड़ियां होती है बंगालीज भी होती है इवन बहुत बंगालीज भी होते हैं जो नहीं कर पाते कैरी नहीं कर पाते थे एंड कैरी भी नहीं कर पाते क्योंकि वो कैरी करना काफी डिफिकल्ट होता है एज वी आर फ्रॉम हियर सो वी नो एंड मतलब डेफिनेटली वो तांत की जो साड़ियां होती है बहुत प्रिटी होती है मतलब ऐसे आप देखोगे एंड आपको लगेगा कि आई वांट दिस आई वांट दिस मतलब वो ऐसा होता है कि आप जितने जितने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑप्शन देखते जाओगे आपको सारे पसंद आते जाएंगे एंड ही वाज लाइक मैं सारे ले लू एक तो हो नहीं रहा है तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे बंगाल भाषा का यूज किया गया है जो कि बांग्लादेश में ज्यादा चलता है बांग्लादेश में बंगाल लैंग्वेज ज्यादा बोला जाता है एक्चुअली दो लैंग्वेजेस होते हैं बंगाली एंड बंगाल बंगाली एक बंगाल तो वो बंगाली लैंग्वेज जो है वो वेस्ट बंगाल साइड में ज्यादा चलता है एंड यहाँ पे बेसिकली मुर्शिदाबाद वगैरह एरिया में बंगाल लैंग्वेज बोलते हैं डेफिनेटली बट बांग्लादेश में ज्यादातर नहीं सब मतलब बंगाली लैंग्वेज भी है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं है बट बंगाल भाषा में ज्यादा बात किया जाता है इट्स नॉट बंगाल लैंग्वेज इट्स बंगाल भाषा बंगाल भाषा में ज्यादा बात किया जाता है बट और उस लैंग्वेज में जो सॉन्ग्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं मतलब वो प्योर फोक सॉन्ग है हमने बांग्लादेश का आई डोंट थिंक इसके पहले कोई प्रोजेक्ट कवर किया है या हमने कोई प्रोजेक्ट कवर नहीं किया बट मैंने पर्सनली बहुत सॉन्ग सुने हैं वहाँ के एंड वहाँ के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है लाइक तंजीर इवान उनके एक गाना था उनका छेड़े जेवना में भी वो सबने सुना होगा मैंने भी सुना है एंड बांग्लादेश के मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सुनूंगी तो याद आ जाएगा कौन सा आई डोंट नो इसने सुना है तो मैंने भी सुना ही होगा तो एंड एंड बांग्लादेश के मैंने काफी सीज भी देखे हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं एंड बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं मैंने बांग्लादेश के अंदर तो इंडिया का भी काफी बट वो बांग्लादेशी सिंगर है एंड मैं पर्सनली मुझे बांग्लादेश के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बहुत पसंद क्योंकि वो प्योर फोक सॉन्ग्स होते हैं उनके वॉइस में अलग बात होती है एंड यहाँ पे भी बाउल को काफी अच्छे तरीके से पोछे किया गया था मैंने सही टू से बट लोग के पंजाबी में जो थे मैंने दूर से देखा तो मुझे फर्स्ट में लगा रविंद्रनाथ आई वाज लाइक मतलब मैं अचानक से शॉक में आके रविंद्रनाथ ठाकुर फिर मैंने देखा नो नो ही इज जस्ट लुकिंग लाइक हिम ही इज नॉट डेफिनेटली वो नहीं हो सकता आई वाज शॉक्ड नहीं भाई जिन्होंने आई एम जस्ट शॉक्ड क्योंकि अटायर उनका बिल्कुल ऐसे बियर्ड एंड हेयर वो जैसे रखते थे बांग्लादेश और इंडिया दोनों का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है उनका एंड बेसिकली रविंद्रनाथ ठाकुर का जो मतलब देशीय घड़ी कहते हैं जिसको वो भी बांग्लादेश ही है एंड या और यहाँ पे तो जैसे कि हमें पता है कि तांत शिल्पों को मतलब उसको एक सॉन्ग के रूप में पोर्ट्रे किया है तांत शिल्पों का जो एक कह सकते सौंदर्य है
जो उसका एक ब्यूटीफुल है उसको दिखाया गया है, उसको समझाया, हाँ ब्यूटी है उसको दिखाया गया है। एंड डेफिनेटली बंगाली को तो ताक के बारे में पता ही होगा, बहुत बहुत मतलब रिच वे में यहाँ पे किया गया, और इतने सारे आर्टिस्ट गा रहे थे, सबने पहला भी ताक था और सबने बहुत अच्छा प्ले किया यार, मतलब सबने बहुत अच्छा गाया, अपना अपना पोर्शन सबने बहुत अच्छे से किया है। एक जो बीच में वो इंग्लिश पोर्शन आया, हाँ वो भी बहुत सही है, वो इसके सॉन्ग के साथ आई, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया, हाँ मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वो इस सॉन्ग पे फिट आएगा, बट हाँ ये वो पोर्शन इस सॉन्ग के साथ बहुत अच्छे से फिट हो गया, बहुत अच्छा लगा यार सॉन्ग मुझे, आई थॉरली एंजॉयड इट, मुझे बहुत मजा आया ये सॉन्ग सुन के। और तन्वीर इवान जो बांग्लादेशी सिंगर है, उनका एक सॉन्ग हमने कवर किया जो अभिषेक का था, हाँ, जिया के साथ, बेसिकली इंडियन सॉन्ग ही था वो, हमने कवर किया था, हमें बहुत अच्छा लगा था। तो या ये सॉन्ग कमाल का था, एंड बांग्लादेशी कोक स्टूडियो आई थिंक नया है क्योंकि सीजन थ्री है, तो मे बी दो साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो या बहुत ग्रो कर रहा है, एंड आई होप कि और ज्यादा ग्रो करे क्योंकि आर्टिस्ट अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड हम लोग और भी रिएक्शंस देंगे कोक स्टूडियो में, रिकमेंड करते रहना आपको जो चाहिए रिएक्शन अब हम बताते रहना, क्योंकि कोक स्टूडियो में रिएक्शन देना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एंड वैसे भी टैलेंट वैसे भी बंगाली लैंग्वेज जो है वो काफी मतलब स्वीट है ना, वो सुन के भी एक अलग सा सुकून आता है। अब जैसे कि ब्रॉन एंड बॉटम हेयर सो डेफिनेटली एक अलग कनेक्शन, एक अलग इमोशन जुड़े हुए हैं, सो या कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फेवरेट है। तो यस, सो दिस वाज आवर रिएक्शन एंड वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहाँ भी फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।